नमस्ते। चैप्टर 79 धनु लग्न के लिए कारक और मारक ग्रह, सिंपली फॉर्मूला अपना सेम। चैप्टर 70 वॉच कर लीजिए अगर नहीं किया है न्यू कमर के लिए, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फॉर्मूला चलते हैं, कारक और मारक ग्रह देखते हैं। जो कारक है वो इस साइड में, मारक इस साइड में, तो फॉर्मूले के साथ चलते हैं अपना। तो सबसे पहले जनरली हम लग्न देखते हैं, लग्न को देखेंगे तो अपना जो रूल नंबर 1 और 2 बताया था, तो जुपिटर आता है इस कंडीशन में यहाँ पे और यहाँ पे, 9 का स्वामी और 12 का स्वामी। अभी दोनों कंडीशन में आप एक चीज चेक करेंगे कि दोनों केंद्र के घर है, केंद्र के घरों के स्वामी न्यूट्रल हो जाते हैं। अभी दोनों केंद्र के घर आने के चक्कर में ये हो गया न्यूट्रल, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट जुपिटर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा उसके एसोसिएशन के साथ डिपेंड करेगा, पर ये न्यूट्रल रहेगा आपके लिए। मतलब लॉर्ड राशि लॉर्ड होने के बावजूद भी ये इस पर्टिकुलर धनु लग्न के लिए न्यूट्रल हो गया है। सो जुपिटर को हम एकदम एंड की तरफ रखते हैं, न्यूट्रल है ना ये जगह सेंटर, तो जुपिटर इस साइड हो गया ये। पर अब कैसा है कि केंद्र त्रिकोण का भी घर है ये वाला, तो थोड़ा सा अच्छा दे सकता है, बुरा तो नहीं, तो दैट्स व्हाई इस साइड का इस पाले। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे समझने की कोशिश करते हैं। जुपिटर अपना हो गया, अब देखते हैं हम लोग सिंपली किलर फोर का नाम। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सन, भाग्य में एक ही घर है तो सन तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा ही। उसके बाद में देखते हैं 1 नंबर और 8 नंबर, ये सन हो गया है आपका अपना, और 1 नंबर मार्स, मार्स मार्स देखते हैं। तो मार्स में देखेंगे आप तो 1 नंबर का स्वामी भी है और 8 नंबर का स्वामी भी है, और अगर आप मार्स की मूल त्रिकोण राशि देखते हैं तो 1 नंबर है, तो मेष त्रिकोण का है और मूल त्रिकोण राशि भी है इसकी मार्स की। ये दोनों स्वामी अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो मार्स के लिए गुड रिजल्ट्स। अब देखते हैं हम 10 और 11 नंबर को देखते हैं, दोनों सैटर्न सैटर्न है। अब देखेंगे ये तो एसोसिएशन क्या जाता है 2, 8 और 12 एसोसिएशन के साथ अच्छे बुरे हो जाते हैं। अब 2 और 3 का देखेंगे 3 नंबर 6 नंबर और 11 नंबर ये तो बुरे होते ही है। अब बात इस केस में देखेंगे तो मूल त्रिकोण राशि हो गई है सैटर्न की, बुरे घर वाली यानी सैटर्न हो गया, इसलिए पूरा किलर हो गया है सैटर्न। अब बचा सैटर्न किलर बन गया है अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसको और इसको, ये है विनस और ये है विनस, 6 नंबर का भी और 11 नंबर का भी, दोनों भी बुरे। अब दोनों बुरे बुरे मतलब बहुत बुरा, विनस इज ओनली द बैड, मतलब जो सबसे बुरा होता है वो विनस ही होगा इस पर्टिकुलर धनु लग्न के लिए। अब बचा 4 नंबर, 4 नंबर में 8वें सूत्र में मैंने बताया था कि अगर मून या सन आते हैं तो बुरे रिजल्ट नहीं देंगे, मैंने ऐसे ही कहा था कि बुरे रिजल्ट नहीं देंगे, मतलब अच्छे देंगे कि नहीं मालूम, नहीं बुरे तो नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो पाले में आ गया यहाँ पे मून, तो मून आ गया यहाँ पे इस साइड में, पूरे रिजल्ट नहीं देंगे मतलब ठीक ही देंगे। अब बचा कौन, इन सब में बचा 3 नंबर और 6 नंबर मरकरी। अब 3 का भी स्वामी और 6 का भी स्वामी, मतलब मोटा मोटी ये जो है मरकरी ये दोनों तरफ से न्यूट्रल है, मतलब अपना जो रूल नंबर 1 था केंद्र के जो स्वामी है अगर बेनिफिक्स है
अपना मेलिफिकनेस छोड़ देंगे, मेलिफिक है तो मेलिफिकनेस छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल होने के चक्कर में ये मध्य के यहाँ पे आ गया इस साइड में। अब अच्छे रिजल्ट क्यों दे सकता है, क्योंकि ये 10 नंबर का भी स्वामी है। एट द सेम टाइम एक और चीज नोट करने लायक है, ये इस पाले में क्यों आया और इस पाले में क्यों नहीं गया, मतलब पूरा नहीं है पर उस साइड में क्यों नहीं है थोड़ा, उसका कारण कैसा है। 3 नंबर मिथुन बुध, 6 नंबर मिथुन कन्या बुध, और बुध का जो मूल त्रिकोण राशि 6 नंबर, 6 नंबर आ गया 10 में। 10 इज द बेस्ट हाउस, इसलिए इस पारे में आ गया। अब इसके साथ साथ मिथुन जुपिटर के मतलब धनु लग्न के लिए सन विल एंड मार्स विल गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। जुपिटर मून और मर्क्यूरी इज नॉट ऑस्पिशियस, सैटर्न इज अ किलर और अनऑस्पिशियस बुरा कह सकते हैं मारक या अनऑस्पिशियस इज विनस। अब इसमें भी एक और ऐसी चीज है कि ये और ये आपको राजयोग दिला सकते हैं, क्योंकि बुरा नहीं है और ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। सन अकेला बैठा भाग्य में, इट्स वेरी गुड सन, सो ये आपको राजयोग दिला सकते हैं। And that is the combination. पर इस पूरे कुंडली में आपको समझ में आएगा धनु लग्न की कि दो प्लैनेट अच्छे हैं और तीन प्लैनेट अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल की जगह पर है, वो दो प्लैनेट बुरे हैं। दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर धनु लग्न और सेजिटेरियस असेंडेंट। दैट्स ऑल फॉर द डे। इसी के साथ चैप्टर 79 धनु लग्न कारक मारक यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।